स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसकी है एक्सरसाइज। ओके, तो हमारा चैप्टर नंबर 8 तो कंप्लीट हो गया था। आगे हम कुछ न्यू एक्सरसाइज देखेंगे, ओके, जो मैंने नोटबुक में लिखी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है काउंट एंड राइट। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैंने जो किए हुए जो स्टार है, ओके, तो ये काउंट करेंगे। पहले हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया है जो 10 अंदर 10 स्टार है। तो ये जो 10 स्टार है वो किस में आएगा, वो आएगा टेंस में, ओके। तो और जो एक्स्ट्रा मतलब जो दूर मतलब बार बॉक्स के बाहर जो दो स्टार है वो किस में आएगा, वंस में। टोटल कितने हैं स्टार, 12, ओके। तो वंस टेंस और वंस हमें अलग करना है। तो इनमें से टेंस आएगा 10 एंड वंस में आएगा 2, ओके। तो इन दोनों को हम 10 + 2 = 12, ओके। तो यहाँ पे हमें टेंस और वंस अलग करने हैं। वैसे नीचे दूसरे पिक्चर है जो फ्लावर है। तो पहले हम ये काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये कितने हैं, 1, 3, 13, ओके। तो इनमें से हमें टेंस अलग करने हैं और वंस। तो इनमें से टेंस आएगा ये और अलग है 1, 2, 3। तो 10 + 3 = 13। फिर नेक्स्ट है, इसको पहले हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये पूरा 10 का ग्रुप है, ओके। तो इसको हम पहले सर्कल कर लेते हैं। और फिर है 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल कितने हैं, 15, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। तो इनमें से हमें टेंस और वंस अलग करने हैं। तो टेंस कितना आएगा, 10 + 5 = 15, ओके। फिर वैसे ही नीचे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 का जो ग्रुप है वहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं। फिर है 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो पूरे टोटल कितने हैं, 1, 7, 17। तो इनमें से टेंस और वंस हम अलग करेंगे। तो टेंस कौन सा आएगा, तो 10 + 7 1 से, ओके। तो इनमें से 10 जो है वो टेंस में आएगा और वंस में 7। तो 10 + 7 = 1, 7, 17। फिर नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है फिल इन द बॉक्स। तो यहाँ पे कुछ हमें बॉक्स दिए, इनमें से जो मिसिंग है मतलब वो हमें कंप्लीट करना है। तो पहले तो हमारा टोटल जो नंबर है वो कितने हैं, 2, 7, 27 = 2। तो यहाँ पे हमें ये जो वाला नंबर है वो है टेंस, तो मतलब यहाँ पे दिए हैं 10। तो वंस में कौन सा आएगा, 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। फिर है 38, 38। तो यहाँ पे पहले आएगा टेंस और ये है वंस, ओके। तो टेंस में हम लिखेंगे, ये है हमारा पहला जो नंबर है वो है टेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 + 8, तो ये नंबर है वंस, ओके। तो 30 + 8, तो 38। फिर है 51, तो ये 51 है। तो ये जो है वो है टेंस और ये है वंस। तो इनमें से वंस तो हम दिया है, तो हम लिखना है टेंस नंबर। तो 50, 50। वैसे ही नीचे है 65। तो इनमें से ये है टेंस और ये नंबर है वंस, ओके। तो इनमें से मिसिंग है टेंस नंबर, तो मतलब ये 6 वाला। तो 60 + 5 लिखा हुआ है, 5 है वंस, ओके। तो 60 + 5 = 65। फिर यहाँ पे हमें दिया है 40 + 7, तो ये नंबर है टेंस और ये है वंस। तो 40 + 7 तो = होगा 47। फिर यहाँ पे टेंस में दिया है 10 + 9, तो 10 + 9 19, 19।
ओके वैसे ही सेम नीचे हमें दिया है 70 70 70 + 8 तो ये है टेंस और ये है वंस, तो 70 + 8 तो 78। फिर नेक्स्ट है 89, तो 89 में से ये 8 है वो टेंस है और 9 है वो वंस है, तो पहले हम 8 मतलब टेंस लिखेंगे, तो 80 + 1 = 9 80 + 9 = 89। वैसे ही नीचे है 85, तो 85 में से अब टेंस कौन सा है, यस टेंस है 8, ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80, अब ये नंबर है 1 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, ओके फिर लास्ट हमारा नंबर है 43, तो 43 में से 4 हमारा कौन सा नंबर है, यस टेंस, तो यहाँ पे 40 लिखा है, अब जो 3 है वो कौन सा है, टेंस या वंस, यस ये है वंस, तो ये नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे 3, तो 40 + 3 = 43। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे कुछ हमें नंबर्स दिए हैं जैसे कि 35, 84, 61, 1 to 12 and 53, तो यहाँ पे हमें नंबर्स को ब्रेक करके दिया है, जैसे कि 50 + 3 तो इज इक्वल टू कितना होगा, तो पहले तो हम इसका इक्वल यहाँ पे साइड में लिख देते हैं ताकि मैच करने में हमें इजी हो, तो 50 + 3 तो इसका होगा इज इक्वल टू 53, 10 + 2 मतलब इज इक्वल टू 12, 30 + 5 तो 35, 80 + 4 इज इक्वल टू 84, 60 + 1 इज इक्वल टू 61, तो अब हमें मैच करना है, तो 53 कौन सा होगा, तो ये वाला 53 इज इक्वल टू हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे मैच करेंगे, फिर है 84 तो इसका 84 यहाँ पे आया आंसर, तो यहाँ पे हम करेंगे मैच, फिर है 61 तो 61 यहाँ पे है, 60 + 1 इज इक्वल टू 60, ओके फिर है 12 तो 10 + 2 इज इक्वल टू 12, फिर है 53 तो 50 + 3 इज इक्वल टू 53। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ विल यू पे द शॉपकीपर टू बाय द थिंग्स गिव ब्लोज अस मैट, तो यहाँ पे जब भी आप कुछ शॉपिंग करने जाते हो या फिर आप कुछ भी चीज़ लेनी है, तो जब भी आप जो शॉपकीपर मतलब आप जब भी वो दुकानदार को पैसे दे दो तो आप कितने दोगे, ओके तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो हम बोल्क ले रहे हैं तो बोल्क की जो रुपीज़ है वो है 25, तो 25 आप कैसे पे करोगे, तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है कि हम 10 की कितनी नोट देंगे और 1 के हम कितने कॉइन्स देंगे, ओके तो यहाँ पे हमें दिया है कि अ बोल ऑफ 25 रुपीस, तो जो एक बॉल है वो है 25 रुपीस का, तो हम 10 की कितनी नोट्स देंगे, तो यहाँ पे पहले हम एक नोट्स ड्रॉ करेंगे क्योंकि 25 है तो हम 10 की 2 नोट्स आएगी, ओके तो 10 की 2 नोट्स एंड अब 5 रुपीस, तो हम 5 कॉइन्स बनाएंगे, ओके 1 के हम 5 कॉइन्स बनाएंगे, 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5, ओके 10 10 20 and + 5 तो ये हो गए 25, ओके तो जब हम 25 का बोल ले रहे हैं तो हम जो शॉप वाले हैं भैया उसको हम 10 की 2 नोट्स देंगे और 1 के 5 कॉइन्स। फिर नीचे है बैट है 47 रुपीस का, ओके जो बैट है वो 47 रुपीस का है, तो हम कितने रुपीस उसे देंगे, तो हम 10 की जो नोट है वो हम देंगे 4, ओके तो 40 रुपीस तो वैसे ही हो गए, 10 की 4 नोट मतलब 40, तो यहाँ पे हम 10 की नोट बना देते हैं 4, तो ये हो गए 40, ओके फिर कितने बचे 7, तो 1 के कॉइन हम बनाएंगे 7, तो 1 2 3 4 5 6 and 7 ये है सभी 1 रुपीस के कॉइन्स, ओके तो ये है 7, तो 40 + 7 = 47। फिर है कैप, जो कैप है वो है 66 रुपीस की, तो 66 रुपीस की तो 6 की हम 6 नोट बनाएंगे कितने की 10 रुपीस की,
तो 10 रुपीज की 6 नॉट, मतलब 60। ओके, तो यहाँ पे हम पहले 6 नॉट बनाएंगे 10 रुपीज की, ताकि हमारे 60 रुपीज हो जाए। तो ये हो गई हमारी 10 रुपीज की 6 नॉट। जो बाकी अभी 6 बचे हैं उसके हम 1-1 के कॉइन्स बना लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये हमारे 6 कॉइन्स बन गए। तो ये हो गए 6, 6, 66। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5, जो यहाँ पे हमें कॉस्टक दिया है। तो इन कॉस्टक में से हमें ये बताना है कि जो ये स्टैंडर्ड है, कि ये स्टैंडर्ड 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, और यहाँ पे हमें नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो सेकेंड स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स है। ओके, और फिर हमें इनमें से टेंस और वंस, मतलब ग्रुप और बाकी के लेफ्ट जो नंबर है वो यहाँ पे हमें लिखने हैं। ओके, जो स्टैंडर्ड सेकेंड में है उसमें कितने स्टूडेंट हैं, तो 48। तो इनमें से ग्रुप कितने का बनेगा, तो इसमें ग्रुप मतलब टेंस का ग्रुप बनेगा 4। 10-10 का ग्रुप बनाएंगे तो कितना होगा 4, और बाकी के लेफ्ट कितने हैं 8। फिर स्टैंडर्ड थर्ड में स्टूडेंट है 52, तो इनमें जो 10-10 का ग्रुप बनेगा 10, तो ये 10th नंबर है, तो यहाँ पे आएगा 5, और ये जो बाकी के वंस मतलब लेफ्ट स्टूडेंट्स हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर स्टैंडर्ड फोर्थ में 36 स्टूडेंट्स हैं, तो इनमें जो वंस मतलब 10th है 10-10 का ग्रुप वो है 3, और जो वंस मतलब लेफ्ट स्टूडेंट्स है वो है 6। फिर स्टैंडर्ड फिफ्थ में है स्टूडेंट 59, तो इनमें भी टेंस है 5, और जो लेफ्ट स्टूडेंट्स है 9। ओके, तो फिर हमें यहाँ पे टोटल लिखना है। तो यहाँ पे हमने टोटल किया, जो 10-10 का ग्रुप बना स्टूडेंट का, स्टैंडर्ड 2nd, 3rd, 4th एंड 5th का। ओके, तो इसका टोटल हुआ 1770, और जो बाकी के लेफ्ट स्टूडेंट्स हुए जो वंस में आते थे उसका टोटल हुआ 25। तो इसके आधार ही हमें कुछ ब्लैंक्स दिए, तो ब्लैंक्स भी हम फिल कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी ब्लैंक है कि हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 10-10 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड सेकेंड, तो हमें कौन से स्टैंडर्ड का देखना है कि सेकेंड स्टैंडर्ड में कितने ग्रुप बने। कैन बी मेट ब्लैंक एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट, तो सेकेंड स्टैंडर्ड में हम तो सेकेंड स्टैंडर्ड में देखना है कि हमें कितने का ग्रुप बना और कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट हुए। तो सेकेंड स्टैंडर्ड में टोटल स्टूडेंट थे 48, तो इनमें से 4 ग्रुप बना और 8 स्टूडेंट लेफ्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का ग्रुप बना और 8 स्टूडेंट्स लेफ्ट। फिर सेकेंड है कि हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 10-10 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ, तो यहाँ पे भी फिफ्थ स्टैंडर्ड का देखना है कि कैन बी मेट ब्लैंक एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट, तो यहाँ पे भी हमें स्टैंडर्ड फिफ्थ का देखना है कि कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप बना और कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट हुए हैं। तो फिफ्थ स्टैंडर्ड की जो स्टूडेंट्स थे तो 59, तो उनमें से ग्रुप बना है फिफ्थ का 5 का और लेफ्ट हुए 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 का ग्रुप बना और लेफ्ट है 9। फिर थर्ड है कि हाउ मैनी टोटल ग्रुप्स ऑफ 10-10 स्टूडेंट्स आर मेट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो ग्रुप्स बने उसके टोटल हमें यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया है कि हाउ मैनी टोटल ग्रुप्स ऑफ 10-10 स्टूडेंट्स आर मेट, तो यहाँ पे जो टोटल हुआ है ग्रुप्स का उसका टोटल कितना है। तो यहाँ पे जो ग्रुप बना है सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इनमें से ये ग्रुप बने हैं, तो उसका टोटल हुआ है 1770। तो यहाँ पे जो हमने ग्रुप्स बने हैं 10-10 का उसका टोटल कितना हुआ है 1770। ओके, तो जो 10 का ग्रुप बना है मतलब 1770, वो टोटल हमें वहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आएगा 1770 जो टोटल ग्रुप्स हमारे 10-10 के बने हैं। फिर लास्ट ब्लैंक है कि हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 10-10 स्टूडेंट्स कैन बी मेट फ्रॉम द टोटल स्टूडेंट्स हु आर लेफ्ट ब्लैंक एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट ब्लैंक। तो जो लास्ट ब्लैंक है वहाँ पे ये दिया है कि जो हमने लेफ्ट किए स्टूडेंट्स उसका टोटल कितना हुआ है 25। ओके, तो 25 में से हम कितने अभी ग्रुप बना सकते हैं और बाकी कितने लेफ्ट हो, कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट होंगे। जो लेफ्ट स्टूडेंट्स का जो ये टोटल है वो है 25, तो 25 में से हम बनाएंगे ग्रुप 2 का और लेफ्ट होगा 5। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2 एंड 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का 2 ग्रुप बनेंगे
और 5 स्टूडेंट्स लेफ्ट. ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 जो हमारे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज देखी थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9.